नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आईएएस आईपीएस अफसरों के साथ करेंगे डिनर। एमपी कैडर के अफसरों के साथ होगा रात्रि भोजन। दिल्ली में होगा आयोजन। मध्य प्रदेश सरकार का ई मंत्रालय सिस्टम 5 दिन के लिए रहेगा बंद। टूर के लिए ऑफलाइन करना होगा आवेदन। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश। मेंटेनेंस के लिए किया गया बंद। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों से भर्ती के लिए नए नियम होंगे लागू। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड की जगह डीएड होगा जरूरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश। रीवा में स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ शुभारंभ। 3 दिनों के लिए निःशुल्क होगी जांच सेवा। कलेक्टर ने पीड़ित व्यक्तियों से शिविर से लाभ उठाने की अपील की। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जैविक कपास के उत्पादन में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। पीएम मोदी से सर्टिफिकेट की निष्पक्ष जांच करवाने की रखी मांग। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने खेल दिवस की दी बधाई। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को किया याद। कहा, दुनिया में हॉकी को स्थापित करने में ध्यानचंद का अहम योगदान है। इंदौर में गांजा तस्कर हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 1 किलो 600 ग्राम गांजा किया बरामद। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस का एक्शन। जबलपुर में मकान की दीवार गिरने से दंपत्ति की हुई मौत। दीवार गिरने के वक्त घर में सो रहे थे पति पत्नी। मलबे में दबने से गई दोनों की जान। जबलपुर के मझौली का ये मामला। सिंगरौली में रवि सिंह की जमानत याचिका हुई खारिज। कोर्ट ने माना एक गंभीर अपराध। सिंगरौली में कोटेदारों की दिखी मनमानी। गरीबों के हक का दाना डकार रहे कोटेदार। पिछले 3 महीने से गरीबों के राशन के हक का पर डाला डाका। रहवासियों ने किया हंगामा। लहार में कच्ची सड़क और गड्ढों से परेशान ग्रामीण। आए दिन वाहन चालकों के लिए बने मुसीबत। भूमि पूजन के बाद अब तक लोक निर्माण विभाग ने शुरू नहीं किया सड़क का निर्माण कार्य। कांग्रेस ने कटनी थाने में युवक से मारपीट के मामले में किया पोस्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से पुलिस की गुंडागर्दी पर किया सवाल। थाना प्रभारी के चैंबर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ मारपीट का वीडियो अब हो रहा वायरल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज कटनी का करेंगे दौरा। मारपीट से प्रभावित पीड़ित और परिजनों से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक भी साथ में होंगे मौजूद। कटनी में बुजुर्ग दादी को पीटने के मामले में सियासत हुई तेज। जीतू पटवारी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पटवारी ने कहा, दलित अत्याचार में देश की राजधानी अब मध्य प्रदेश बन गया है। एमपी में बड़ी संख्या में युवाओं को सेवा दल से जोड़ेगी कांग्रेस। सेवा दल की प्रदेश स्तरीय पर होगी बैठक। सभी जिलाध्यक्ष को शामिल होने के दिए सख्त निर्देश। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस कल करेगी सीएम हाउस का घेराव। दोपहर 12 बजे यूथ कांग्रेस के नेता पहुंचेंगे पीसीसी कार्यालय। पीसीसी से सीएम हाउस की तरफ करेंगे कूच। बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर होगा प्रदर्शन। धार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। बिजली विभाग कार्यालय का किया घेराव। कांग्रेसियों का आरोप, स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल हुआ दोगुना। मुरैना के सरकारी स्कूल में असामाजिक तत्वों का कब्जा। स्कूल परिसर में बैठकर करते हैं नशा। छात्राओं से करते हैं दुर्व्यवहार। विरोध करने पर, झगड़ा करने पर हो जाते हैं उतारू। स्कूल प्रशासन भी डर के कारण है मौन। मुरैना में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। वृद्धाश्रम के प्रबंधक ने 2 बुजुर्गों को वृद्धाश्रम से निकाला बाहर। आश्रम के बाहर हुआ जोरदार हंगामा। स्टाफ पर लगे गंभीर आरोप। उज्जैन में संदीपनी आश्रम के पास सड़क पर अचानक गिरा पीपल का पेड़। 2 कार पेड़ के नीचे आकर हुई क्षतिग्रस्त। कई श्रद्धालुओं की बाल बाल बची जान। मुरैना में न्यायालय के आदेश को ठेंगा दिखा रही जौरा डिग्री कॉलेज की प्राचार्य वसुंधरा गोयल। बिना किसी कारण से संविदा कर्मियों को हटाया। न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं हुई संविदा कर्मियों की नियुक्ति। मंडला में बच्चे से अप्राकृतिक कृत्य की हुई कोशिश। फरियादी की शिकायत पर स्कूल के मालिक और पेट्रोल पंप के डीलर के खिलाफ केस हुआ दर्ज। आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 का इनाम हुआ था घोषित। छतरपुर के जिला अस्पताल में हुआ विवाद। मरीज एमएलसी में छेड़छाड़ करने के लिए बना रहा था दबाव। डॉक्टर ने मरीज की लगाई क्लास। सरकारी काम में बाधा की शिकायत पुलिस में कराई दर्ज।
छतरपुर में अवैध रेत खनन पर सख्त हुए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, जिला खनिज अधिकारी को लगाई फटकार। वीरेंद्र खटीक ने कहा, रेत चोरी में मेरे बाप का बाप भी शामिल हो तो जरूर कार्रवाई करेंगे। बलरामपुर में अफीम की तस्करी पर करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी ने घर में छुपा कर रखा था 2 लाख की नशीली अफीम पोस्ट। आरोपी होटलों में करता था नशीले पदार्थों की सप्लाई। रीवा के सेमरी कला में सड़क की हालत हुई जर्जर। खराब सड़क से शिक्षक और बच्चे हुए परेशान। प्रशासनिक अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। जबलपुर में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का हुआ अनावरण। मेजर ध्यानचंद के बेटे ने किया 3 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। आज मनाया जा रहा है मेजर ध्यानचंद का 119वां जन्मदिवस। जबलपुर हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मामले में खंडवा कलेक्टर और इंदौर कमिश्नर के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 30 दिनों तक अधिकारियों ने नहीं किया था विचार। रीवा के इंटीग्रिटी स्कूल में तिलक लगाने पर रोक के मामले में बीजेपी नेता ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखा पत्र। पत्र के बाद बाल आयोग ने लिया संज्ञान। रीवा कलेक्टर को दिए जांच के आदेश। आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में पीजीटी शिक्षक के तौर पर पदस्थ सुनीता गुप्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया चयनित। बच्चे और स्कूल के प्रिंसिपल बोले, ये हमारे लिए गर्व की बात है। रीवा में 13 साल की बच्ची का अश्लील फोटो वायरल करने का गंभीर मामला आया सामने। फोटो वायरल होने के बाद मासूम ने की आत्महत्या की कोशिश। तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। नरसिंहपुर में एक शख्स ने ज्वेलरी शॉप में अपनी कमर से निकालकर बैग में रखी पिस्टल। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सर्राफा व्यापारियों ने बैठक बुलाकर अलर्ट रहने की कही बात। पुलिस प्रशासन भी हुआ अलर्ट। उज्जैन में महापौर ने की व्यापारियों से हाथ जोड़कर अपील। बोले, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, अतिक्रमण ना करें, कल जेसीबी लेकर आऊंगा। इंदौर में सामने आया ब्लड ग्रुप बताने का अनोखा तरीका। वाइस एनालिस्ट हेमंत धरफले आवाज से पहचान लेते हैं ब्लड ग्रुप। राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सीएम विष्णुदेव साय ने किया सम्मानित। खिलाड़ियों को दी गई 76 लाख रुपए की पुरस्कार राशि। रायपुर में कृषि अभियंताओं के लिए 2 दिनों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम। राष्ट्रीय सम्मेलन में जुटे देश भर के कृषि अभियंता। छत्तीसगढ़ ओडिशा रेल कॉरिडोर को मिली मंजूरी। भालूमुडा से सारडेगा कॉरिडोर का होगा निर्माण। आदिवासी लोगों को होगा लाभ। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। रायपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर बड़ी बैठक। बीजेपी की सभी प्रकोष्ठों की हो रही बैठक। प्रकोष्ठों को दिया गया सदस्यता अभियान का टारगेट। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू को मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड चुनाव में बनाए गए 2 जिलों के प्रभारी। लातेहार और चतरा जिले के प्रभारी बने तोखन साहू। बीजेपी केंद्रीय चुनाव प्रबंधन समिति ने दी जिम्मेदारी। रायपुर में विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को लेकर दिया बयान। विधायक बोले, सत्ता में रहने पर कुछ नहीं करती कांग्रेस, विपक्ष में रहने पर ही उठाती है सवाल। रायपुर में सामान्य प्रशासन विभाग में हुआ बदलाव। 2 IAS अधिकारियों के बदले गए प्रभार। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़। नारायणपुर कांकेर सीमा पर अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़। नक्सलियों के जवानों ने की घेराबंदी। दोनों तरफ से हुई फायरिंग। जांजगीर में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल दिवस के अवसर पर 32 राष्ट्रीय खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। SDM ने कहा, प्रतिभागियों में उत्साह बढ़ाने के लिए किया गया कार्यक्रम का आयोजन। पेंड्रा में प्राचार्य ने छात्रावास का किया औचक निरीक्षण। छात्रावास में मिली खामियां। बच्चों को दिया जा रहा था गुणवत्ताहीन भोजन। नाराजगी जताते हुए छात्रावास अधीक्षक को लगाई फटकार। पखाजूर में निखिल भारत बंगाली समिति ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हो रहे बंगाली समुदाय पर अत्याचार का जताया विरोध। 20,000 से ज्यादा लोग हुए प्रदर्शन में शामिल। गरियाबंद के सरकारी स्कूल में शाला प्रबंध समिति और पालकों ने किया प्रदर्शन। सरकारी स्कूलों में की तालाबंदी। BEO के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर शिक्षक हुए नाराज। जशपुर में आवारा मवेशियों के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। आक्रोशित किसानों ने किया प्रदर्शन। मवेशियों के मालिकों को दी हिदायत।
बीजापुर में हुई जवान की मौत, सड़क दुर्घटना में जवान हुआ था घायल। नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन का हिस्सा रह चुका था जवान। अंबिकापुर में कलेक्टर ने बच्चों के साथ बैठकर किया भोजन, बच्चों में दिखा उत्साह। कलेक्टर ने भोजन को तैयार करने वाली महिलाओं की सराहना की। बिलासपुर के सीएमएचओ ने किया अस्पतालों का निरीक्षण, 6 अस्पतालों को दिया गया नोटिस, अस्पताल प्रबंधन से मांगा गया जवाब, नियम के अनुसार नहीं चल रहे चिकित्सा केंद्र। पेंड्रा में बेशकीमती खम्हार की लकड़ियों से भरा ट्रैक्टर पलटा, ट्रैक्टर का टायर फटने से हुआ हादसा, लकड़ियों से भरी ट्रॉली छोड़ भागा चालक। बालोद में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला आया सामने, छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक पर गिरी गाज, प्रधान पाठक काशीराम साहू को किया गया सस्पेंड, छात्राओं ने छेड़छाड़ गलत व्यवहार की शिकायत दर्ज की। बलौदा बाजार में अवैध महुआ शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख से ज्यादा का महुआ किया गया जब्त, 150 लीटर अवैध महुआ शराब की भी की गई जब्त। बालोद में जंगल में मिली अज्ञात युवक की लाश, 4-5 दिन पहले हुई थी युवक की मौत, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल महिला सांसदों की कार्यशाला का हुआ आयोजन, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने भारत का किया प्रतिनिधित्व, कार्यशाला में राष्ट्रमंडल के सभी 56 देशों ने लिया भाग। कोरबा में डीजल चोरी करने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार, SECL गेवरा खदान से 245 लीटर डीजल हुआ था चोरी, डीजल खरीदी करने वाले व्यक्ति के पास से JCB किया जब्त। पेंड्रा में कलेक्टर ने स्कूलों का किया औचक निरीक्षण, ताला बंद पाए जाने पर 9 शिक्षकों का 1 दिन का काटा वेतन। जांजगीर पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार, रायपुर से हुई गिरफ्तारी, आरोपी ने पटवारी की नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख ऐठे थे। जांजगीर के केंद्रीय विद्यालय में स्काउट गाइड परीक्षण का हुआ आयोजन, 120 भारत स्काउट्स के प्रतिभागी और शिक्षकों ने लिया भाग, शिविर के जरिए राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान के लिए प्रतिभागी का होता है चयन। पेंड्रा में गर पंचायत में पदाधिकारी को लेकर हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कोर्ट ने कहा ग्राम पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि से बनाए जाए पदाधिकारी। छत्तीसगढ़ महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस ने हवाला नेटवर्क के मास्टरमाइंड दिनेश व्यास को किया गिरफ्तार, दिनेश व्यास के खिलाफ जारी हुआ था लुकआउट सर्क्यूलर, अब ट्रांजिट रिमांड पर जल्द लाया जाएगा दुर्ग। जांजगीर के ऑडिटोरियम में प्रतिभाओं को निखारने टैलेंट तिहार प्रतिभा को पंख 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, कार्यक्रम में कलेक्टर SP जिला पंचायत CEO हुए शामिल। कोरबा के पाली क्षेत्र में पूर्व सरपंचों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 1 हफ्ते से पाली के शिव मंदिर चौक के पास विरोध जारी, विधायक तुलेश्वर मरकाम भी धरने पर बैठे, विधायक ने कहा कि अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता तो वो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। बलौदा बाजार में प्राइवेट हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा, साथ ही डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी दी दबिश, बिना पंजीयन के चल रहे 12 निजी चिकित्सा संस्थानों पर हुई कार्रवाई। कोरबा में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 2 घायल व्यक्तियों का चल रहा इलाज, आक्रोशित परिजनों ने थाने का किया घेराव, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बलौदा बाजार में कलेक्टर ने 5 ठेकेदारों को किया ब्लैकलिस्ट, जल जीवन मिशन से लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई, 70 ठेकेदारों पर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना। MCB के पोड़ी डीह में लाभ का जरिया बना अमृत सरोवर, मछली पालन करके महिलाओं के स्वरोजगार को मिल रहा बढ़ावा, अमृत सरोवर से किसानों की धान की फसल की हो रही सिंचाई। बदलते मौसम में पांडुर्णा मार्ग पर स्थित गांव बोरपानी में उल्टी दस्त के प्रकोप से 2 लोगों की मौत हो गई, करीब 34 लोग गंभीर रूप से हुए बीमार, बीमार लोगों को पांडुर्णा के सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती, बोरिंग से हो रहे दूषित पानी की सप्लाई। पेंड्रा में प्रशासन ने की अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई, कलेक्टर कार्यालय और जिला अस्पताल के आसपास कई सालों से अवैध कब्जा हो रहा था संचालन, प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाए ठेले और गुमठी। बीजापुर में एक बार फिर बेरहमी से हत्या करने का मामला आया सामने, नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में जन अदालत लगाकर एक ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या कर दी,
इसके बाद नक्सलियों ने शव के आसपास पर्चा फेंका जिसमें लिखा है कि 2021 में सीतू मंडावी पुलिस की मुखबिरी कर रहा था। राजनांदगांव में फर्जी नंबर से कॉल कर गाड़ी बुकिंग कराकर ड्राइवर को चकमा देकर चोरी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की गई कार भी की बरामद, किराए पर गाड़ी लेकर फरार हुआ आरोपी। रायपुर में चोरी की वारदात का मामला सामने आने के बाद प्रशासन की कार्रवाई, एक दर्जन से अधिक सूने मकानों को निशाना बनाने वाले चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में एक शख्स की दो बार खुदकुशी करने की कोशिश हुई नाकाम, पहले ट्रेन से कूदकर की आत्महत्या की कोशिश, इलाज के दौरान अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदा युवक, पुलिस कर रही मामले की जांच। धमतरी में स्कूल बस का ब्रेक हुआ फेल, कार से जा टकराई स्कूल बस, बड़ा हादसा टलने से मासूम बच्चों की बची जान, बस में सवार थे 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे। बीजेपी में शामिल होने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बयान, कहा हम बहुत सोच समझकर उस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और वहां से हम आदिवासी के अस्तित्व को बचाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर कहा, चंपई सोरेन जैसा हर व्यक्ति जो झारखंड को प्यार करता है वो बीजेपी सरकार लाना चाहता है, झारखंड सरकार से लोगों का विश्वास टूट चुका है। बीआरएस नेता के कविता पहुंची हैदराबाद, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत, 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत। तेलंगाना में बीआरएस नेता के कविता के परिवार के लोगों ने मनाया जश्न, के कविता ने अपने भाई के टी रामा राव को बांधी राखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिखा अनोखा अंदाज, बैलगाड़ी यात्रा का लुत्फ उठाते आए नजर, सीएम का सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सचिन यादव को बनाया गुरुग्राम लोकसभा का AICC ऑब्जर्वर, सितंबर अक्टूबर में होना है चुनाव। सीबीआई ने इनकम टैक्स के प्रधान आयुक्त समेत लोगों को रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार, इनकम टैक्स के प्रधान आयुक्त ने एक मामले में ली थी 10 लाख रुपए की रिश्वत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को किया सम्मानित, उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों लक्ष्य सेन, सूरज पवार, अंकिता ध्यानी और परमजीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में लिया था भाग। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बुलाई गई बैठक, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए शीतकालीन कार्य योजना के कामों की समीक्षा की। कोलकाता रेप कांड मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर पवन खेड़ा का बयान, कहा राष्ट्रपति ने जो ये मुद्दा उठाया है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कलकत्ता के अलावा अन्य रेप केसों का भी जिक्र जरूर होना चाहिए।